नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस वीडियो की रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत टाइम से आई हुई थी, तो आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रही हूँ ऑक्सीलाइफ क्रीम ब्लीच का। तो प्लीज वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आई एम श्योर आपके लिए आज की वीडियो भी बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई थी कि कुछ ऐसी ब्लीच के बारे में बताइएगा जो कि गांव में भी आसानी से मिल जाए, जो हर कहीं मिल जाए इजिली, यानी कि नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाए और ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाए। तो आज मैं ऐसी ही ब्लीच का रिव्यू आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीलाइफ नेचुरल रेडियंस क्रीम ब्लीच का। ये देखिए, इस क्रीम ब्लीच का रिव्यू मैं आज शेयर करूंगी और साथ ही साथ कुछ आपको ऐसी सावधानियां भी बताऊंगी, कुछ ऐसी जरूरी बातें बताऊंगी जो कि हमें ब्लीच करते टाइम पर ध्यान में रखनी चाहिए। तो कुछ लोग जो फर्स्ट टाइम ब्लीच करते हैं तो उसे इस बारे में जानकारी नहीं होती है, उन लोगों को कंप्लीट जानकारी नहीं होती है कि किस तरीके से ब्लीच को लगाना चाहिए, कितनी देर तक लगाना चाहिए। तो यही सब चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। प्लीज वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि मैंने क्या जरूरी बातें आपको बताई है। तो यहां पर मैं अगर अपनी बात करूं दोस्तों, इससे पहले भी मैंने जिन ब्लीच का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया उसमें भी मैंने बहुत बार बताया है कि मैं महीने में एक बार ब्लीच जरूर करती हूं, और जब टाइम नहीं मिलता है वो एक अलग बात है, लेकिन महीने में एक बार जरूर ब्लीच करती हूं। इससे क्या होता है, जो भी मेरी स्किन पर डेड स्किन सेल्स होते हैं, जो भी सनटैन की प्रॉब्लम होती है और जो भी मैल जमा होती है, डेड स्किन सेल्स होते हैं, वो अच्छे से रिमूव करने में हेल्प करती है ब्लीच। तो इसलिए हमें महीने में एक बार ब्लीच जरूर कर लेनी चाहिए, इससे आपकी स्किन में एक बहुत अच्छा ग्लो भी आता है। और अपनी स्किन केयर रूटीन की बात करूं तो महीने में एक बार मैं ब्लीच जरूर करती हूं। इससे ज्यादा ब्लीच को ना लगाइएगा, क्योंकि इससे आपकी त्वचा को नुकसान भी हो सकता है, इसलिए आपने इसे सिर्फ महीने में एक बार ही अप्लाई करना है। और ब्लीच को हमें सिर्फ 10 से 12 मिनट ही लगाना होता है, बहुत ज्यादा देर तक नहीं लगाना होता है। जिनकी बहुत ज्यादा विटिश स्किन होती है तो वो इस क्रीम ब्लीच को 15 मिनट तक लगा सकते हैं। जिनकी डस्की स्किन है या थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो उनको सिर्फ 10 मिनट ही लगानी होती है, इससे ज्यादा ना लगाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस ब्लीच की पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। पैकेजिंग आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में आती है। व्हाइट और ब्लू कलर की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है। ऑक्सीलाइफ नेचुरल रेडियंस क्रीम ब्लीच विद पोस्ट ब्लीच स्किन रेडियंस सीरम, सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई हैं। इसमें आपको एक सीरम भी फ्री मिलता है जो कि आपको ब्लीच के बाद अप्लाई करना होता है, जिससे आपकी स्किन में एक बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। तो ये देखिए, सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई है। और ये ब्लीच आपकी इन सभी स्किन प्रॉब्लम को दूर करती है, जैसा कि डार्क स्पॉट, अनइवन स्किन टोन, डल स्किन, डेड स्किन सेल्स और सनटैन को ये रिमूव करने में हेल्प करती है। नो एडेड अमोनिया है इसमें, कोई भी अमोनिया नहीं है। और अमोनिया वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो स्किन के लिए अच्छे नहीं होते हैं, और इसमें अमोनिया नहीं है, तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है ब्लीच। और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाती है आपको। इस पर मेंशन किया हुआ है प्राइस 82 रुपीज गाइस, लेकिन ये मुझे 60 रुपीज के प्राइस में मिल गई थी। अगर आप बार्गेनिंग भी करते हैं, मतलब बार्गेनिंग करने में अच्छे हैं, तो आपको ये 60 रुपीज या 50 रुपीज के प्राइस में मिल जाएगी। मुझे भी 60 रुपीज के प्राइस में मिल गई थी, जो कि काफी अफोर्डेबल प्राइस है। तो ये ब्लीच आपको गांव में भी मिल जाएगी और नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं गाइस कि मैं गांव में रहती हूँ और गांव में भी मेरी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने पूछा था कि दी प्लीज ऐसी ब्लीच बताइएगा जो गांव में भी मिल जाए और ऑनलाइन भी मिल जाए और नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाए। तो ये ब्लीच एक ऐसी ब्लीच है जो आपको हर एक एरिया में इजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने इसे ओपन कर लिया है। इसके साथ आपको एक्टिवेटर भी मिलता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है किसी भी ब्लीच में। और ये है इसकी ब्लीच की कंटेनर, आप देख सकते हो प्लास्टिक कंटेनर में आती है इस तरीके से। ये भी व्हाइट और ब्लू कलर की पैकेजिंग में है, आप देख सकते हो, ये व्हाइट कलर की कंटेनर है, ये देखिए। और ये आपको इसके साथ जो है सीरम फ्री मिलता है। और एक इसमें आपको ये कार्ड भी दिया गया है कि आपने इसे कैसे यूज करना है। फ्रेंड्स, अगर आप इस ब्लीच को पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें जो ये पेपर आपको दिया जाता है, ये जो कार्ड दिया गया है, इसे प्लीज एक बार अच्छे से रीड जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी ब्लीच को इस्तेमाल करने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर देखिएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वो प्रोडक्ट आपको सूट करेगा या नहीं करेगा। तो इसमें सभी लैंग्वेज में मेंशन किया हुआ है, ये देखिए। तो इस कार्ड को भी एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा अच्छे से, अगर आप इस ब्लीच को फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं या लगा रहे हैं। तो इसमें आपको ये 3 पाउच दिए गए हैं, आप देख सकते हो, 3 सैशे दिए गए हैं, जो कि है पोस्ट ब्लीच स्किन रेडियंट सीरम। इस ब्लीच को अप्लाई करने के बाद आपने इस सीरम को भी अप्लाई करना है, इससे भी आपकी स्किन में बहुत अच्छी ग्लो आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस ब्लीच को अपने फेस पर आपको अप्लाई कर दिखाती हूँ और रिजल्ट आप खुद ही देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसे ओपन कर लिया है।
काफी अच्छी पैकेजिंग है, ये काफी ट्रैवल फ्रेंडली भी है गाइस। अगर आपने इसे अपने पर्स में कैरी करना है तो आप इसे इजीली अपने पर्स में भी कैरी कर सकते हो। कंटेनर काफी अच्छा है, एयर टाइट कंटेनर है, जल्दी से ओपन होने वाला नहीं है। तो ये देखिए मैंने इसे ओपन कर लिया है। इस तरह की इसकी लिड थी। तो अब मैं इस स्पैचुला की हेल्प से इस ब्लीच को इस बाउल में डाल लूंगी। और फ्रेंड्स एक चीज और बताना चाहती हूँ आपको कि अगर आप कोई भी ब्लीच ट्राई करते हैं फर्स्ट टाइम तो उसे एक बार पैच टेस्ट जरूर कर देखेगा कि आपको वो सूट कर रही है या नहीं कर रही है। और ब्लीच की क्वांटिटी आपने अपने अकॉर्डिंगली लेनी है, जितनी आपने ब्लीच चाहिए आपको जितनी लेनी है उतनी ही लीजिएगा। तो देखिए मैंने ब्लीच को ले लिया है और एक्टिवेटर पाउडर आपने बहुत ही थोड़ा डालना है, बहुत ज्यादा मत डालिएगा। और अब मैं इसे स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है, आप चाहें तो फिंगर की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हो। जिस डायरेक्शन में आपको फेशियल हेयर होते हैं उसी डायरेक्शन में आपने ब्लीच को अप्लाई करना होता है, इस चीज का भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब मैं इस ब्लीच को घोल चुकी हूं, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और अब मैं इस ब्लीच को अपने फेस पर आपको अप्लाई कर दिखा देती हूं। और गाइस जब भी आप ब्लीच लगाएं तो अपने फेस पर जितना भी मेकअप है उसे अच्छे से रिमूव कर लीजिएगा, अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश से वॉश कर लीजिएगा। आपके फेस पर कोई भी कुछ भी प्रोडक्ट नहीं लगा होना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इस ब्लीच को अप्लाई कर लिया है, मैंने नेक एरिया पर भी अप्लाई किया है। और नेक भी ब्लीच करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि हम अपनी अक्सर गर्दन को ना इग्नोर कर बैठते हैं, जिससे हमारी गर्दन पर मैल की परत जो है वो जमती जाती है और बहुत ही बेकार दिखती है गर्दन। तो इसलिए जब भी मैं ब्लीच लगाती हूँ तो अपनी नेक एरिया पर और ईयर्स पर भी अप्लाई करती हूँ। तो आप भी इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा और स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस तरीके से ब्लीच को करते हैं तो आपकी स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा। तो चलिए अब मैं इस ब्लीच को 10 से 15 मिनट तक लगाकर रखूंगी, उसके बाद मैं अपने फेस को वॉश कर लूंगी। तो देखिए मैंने ब्लीच को वॉश कर लिया है, मैंने ठंडे पानी से ही इसे वॉश करा है, नॉर्मल पानी से ही। और आप देख सकते हो ग्लो कितना अच्छा आया है फेस में, ये देखिए। और इसके बाद आपने कोई भी फेस वॉश वगैरह या सोप का इस्तेमाल नहीं करना है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। और अब मैं ये सीरम अप्लाई करूंगी अपने फेस पर जो कि इसके साथ स्प्रे मिला हुआ है। तो ये देखिए ये सीरम मैंने निकाल लिया है। एक चीज बताना चाहती हूँ दोस्तों आपको, यहाँ पर जब भी आप ब्लीच अप्लाई करते हैं ना अपने फेस पर, ब्लीच लगाने के बाद कभी भी धूप में बाहर मत जाइएगा क्योंकि इससे आपकी स्किन में रेडनेस आ सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है स्किन से रिलेटेड। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ब्लीच अप्लाई करें तो रात के वक्त में ब्लीच अप्लाई करें, खासतौर से समर्स में। तो इससे आपकी स्किन जो है अच्छे से रिपेयर हो जाती है, आपकी स्किन में बहुत अच्छा ग्लो देती है अगर आप रात में अप्लाई करते हैं ब्लीच को। और दिन के वक्त ब्लीच अप्लाई कम ही कीजिएगा, लेकिन अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो आप अभी कर सकते हो, घर पर ही आपने रहना है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा जब भी आप ब्लीच लगाएं तो ब्लीच लगाने के बाद धूप में बाहर मत जाइएगा। और इस ब्लीच को लगाने के बाद मेरे फेस पर बहुत ज्यादा जलन वगैरह या ऐसी कोई इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो क्योंकि हल्की फुल्की जो एक जलन सी होती है ब्लीच लगाते ही, थोड़ी सी इरिटेशन होती है, वो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा जलन मेरे फेस पर नहीं हुई थी। क्योंकि जब आपके फेस पर बहुत ज्यादा जलन होने लगती है या इरिटेशन इचिंग होने लगती है कुछ भी स्किन में, तो आपकी स्किन में रेडनेस आ जाती है, जो कि मेरी स्किन में नहीं आई है। आप देख सकते हो हल्की फुल्की इचिंग होना एक नॉर्मल सी बात होती है जब भी आप कोई ब्लीच अप्लाई करते हैं। और ये एक डिपेंड करता है कि आपने एक्टिवेटर कितना मिक्स किया है, एक्टिवेटर की क्वांटिटी जो होती है वो ज्यादा डालने से भी काफी बार जो है ब्लीच में आपको फेस पर इरिटेशन होने लगती है। अगर आप ब्लीच में एक्टिवेटर ज्यादा लगाते हैं तो ब्लीच लगाने के बाद आपके फेस पर ज्यादा इरिटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जलन होने लगती है, रेडनेस आ जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एक्टिवेटर की जो क्वांटिटी है वो आपने बहुत ही थोड़ी लेनी है, बहुत ज्यादा नहीं लेनी है। और अगर आप ब्लीच लगाते टाइम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी स्किन में बहुत अच्छा ग्लो आएगा और स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आपने देखा इसका रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपको इसका रिजल्ट भी अच्छा लगा होगा। और पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और साथ में जो बेल बटन है प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। और दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और हेल्पफुल वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।